एडिशन ओके जून टू फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लासेस अब तो थर्ड क्लासेस बट इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड ओनली ओके अंदर से जो भी थर्ड क्लास बट इट इज नॉट ट्रू ओके दिस इज इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड बिकॉज दे आर जस्ट स्टार्टिंग द एडिशन तो व्हाट इज एडिशन एडिशन क्या होता है पहले से जान लीजिए एडिशन का मतलब होगा अगर हम नंबर के सेंस में देखें तो एडिशन का मतलब क्या होगा काउंटिंग फार्मूला क्या होगा काउंटिंग फार्मूला काउंटिंग फार्मूला मीन्स आपने नंबर सिस्टम वो नंबर पढ़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके तो काउंटिंग फॉरवर्ड मीन्स हो जाएगा जैसे हम कह रहे हैं कि 1 और अभी आप टेंशन ना लीजिएगा हम बता रहे हैं मेथड हम अभी बता दे रहे हैं आपको लेकिन मेथड कैसे आ रहा है वो भी बताएंगे जैसे हम ले रहे हैं 1 उसमें एक करना है 2 आंसर हमारा आएगा 3 तो 3 क्या हो गया 1 और 2 से क्या फॉरवर्ड हुआ 1 और 2 से फॉरवर्ड हुआ काउंटिंग फॉरवर्ड बिकॉज 3 मोर देन 1 है टू पीछे मैं बता चुका हूँ कंप्यूजन वाले में कि थ्री क्या है ज्यादा है वन और टू से तो काउंटिंग फॉरवर्ड जो होगा वही हमारा एडिशन होगा या दूसरे सेंस में देखें एडिशन का मतलब कुछ करना जोड़ना कुछ जोड़ना 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 भी अगर कोई चीज किसी चीज में कुछ जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा बड़ा होगा जाहिर सी बात है क्या होगा बड़ा होगा तो अगर हमें दो नंबर को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे दो नंबर को सिंगल डिजिट नंबर को ओके दो सिंगल डिजिट नंबर को जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे दिस इज फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास और ये आप मतलब ध्यान से देखिए और इसको सीखिए ओके तो नाउ जस्ट स्टार्टिंग एडिशन का मतलब क्या हुआ काउंटिंग फॉरवर्ड या एडिशन का मतलब जोड़ना है ना कुछ में कुछ जोड़ना ओके अब जब जोड़ेंगे तो ज्यादा ही मिलेगा कम नहीं मिलेगा इफ वी आर एडिंग समथिंग वी विल गेट बिगर थिंग ओके हम बड़ा चीज पाएंगे ना कि छोटा चीज पाएंगे ओके तो हम कैसे जोड़ेंगे आपको जब मैं होल नंबर सिस्टम बता रहा था तो वहां भी बता दिया था कि आपको हाउ टू एड सिंगल डिजिट नंबर विद द नंबर लाइन सिस्टम ओके नंबर लाइन की हेल्प से हम दो नंबर को कैसे जोड़ेंगे सपोज दैट I have to add 1 and 2. So this is the symbol of plus is symbol of addition. Plus is symbol of addition. Plus क्या होता है? Addition का symbol होता है. तो हम अगर a करने की बात कर रहे हैं तो इसी symbol को use करेंगे. Okay? Plus. कौन सा symbol? Plus. वैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि a क्या है? Addition symbol. a क्या है? माइनस क्या है सब्ट्रैक्शन सिंबल ये क्या है मल्टीप्लिकेशन सिंबल और ये क्या है डिवीजन सिंबल दिस इज एडिशन दिस इज सब्ट्रैक्शन दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज डिवीजन ओके नाउ आई एम ओनली फोकसिंग हियर ऑन एडिशन एंड स्पेशली फोकसिंग ऑन एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर ओके मैं यहां पे एडिशन पे फोकस कर रहा हूं उस पे भी सिंगल डिजिट के एडिशन पे फोकस करने चल रहा हूं तो सपोज दैट आई हैव टू एड 1 विद 2 तो व्हाट विल बी द आंसर तो मैं यहां एक नंबर लाइन सिस्टम आपको बता दे चुका हूं आई एम टेकिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके सपोज दैट आई हैव टू एड 1 विद 2 एड 1 विद 2 अगर 1 में 2 से एड करना है तो 2 एड करना है तो मैंने ये पीछे बताया था आपको 1 से 2 जंप आगे जाना पड़ेगा 1 से सिंगल यूनिट का 2 जंप आगे जाना पड़ेगा एक जंप ये हो गया है ना आप देख रहे हैं दूसरा जंप हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और जिस नंबर पे जंप पहुंच रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर की मीन 1+2=3 1+2=3 ये छोटे बच्चे ध्यान से देखें और ध्यान दें इसको कि कैसे ऐड कर रहे हैं
मान लीजिए हमें दूसरा गेट करना है 3 प्लस 5। अभी देखते चलिए इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे, देर इज नो प्रॉब्लम ओके। और हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, मान लो 3 और 5 को जोड़ना है तो हमने क्या किया, नंबर लाइन में संख्या कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। हम क्या कह रहे हैं कि यू हैव टू एड 3 विद 5, तो प्लस सिंबल इज एडिशन सिंबल, यू नो दैट, हम इसको बता भी चुके हैं। 3 प्लस 5 अगर आपको जोड़ना है तो नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम 3, और जितना जोड़ना है उतने नंबर आप जम समझेंगे, जितना जोड़ना है उतना नंबर आप जम लेंगे। तो पहला जम 3 टू 4, दिस इज फर्स्ट जम, दूसरा जम 4 टू 5, दिस इज सेकंड जम, तीसरा जम 5 टू 6, दिस इज थर्ड जम, एंड दिस इज फोर्थ जम, एंड आफ्टर दिस इज लास्ट जम, दिस इज फिफ्थ जम, एंड यू आर रीचिंग हियर एट 8 ओके। तो व्हाट विल बी आंसर, 3 प्लस 5 विल बी 8, दिस इज द आंसर ओके। तो दिस इज द मेथड ऑफ एडिंग सिंगल डिजिट नंबर, दिस इज द मेथड ऑफ एडिंग सिंगल डिजिट नंबर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास फर्स्ट ओके। नाउ आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस आल्सो, मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं ओके, कि हम और आसानी से कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हाउ आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई द थिंग इन एडिशन ओके। सपोज दैट यू हैव टू ऐड 1 विद 2 ओके, नो प्रॉब्लम ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट आप एक लाइन कीजिए, क्योंकि यहां पे एक है तो क्या लाइन, कितनी लाइन कीजिए आपने, एक लाइन कीजिए। उसके बाद हमको कितना जोड़ना है, 2, तो और 2 लाइन हम ऐड कर लेंगे, और 2 लाइन ड्रा कर देंगे ठीक है। एक ये लाइन ड्रा कर दिया और 2 लाइन हमने ड्रा कर दिया, इसको समझ रहे। अब इसको टोटल जोड़ लो, आप यहां से काउंटिंग शुरू कर दो 1 2 3, तो आंसर मिल गई 3, एनी वे यू कैन से दैट ओके। फिर मान लो 3 और 5 में जोड़ना है, 3 और 5 जोड़ना है, तो पहला कितना लाइन खींचे हम 1 2 3, फिर दूसरा कितना लाइन खींचे 5 लाइन 1 2 3 4 5 ओके। अब इसी को हम क्या कर लें, पूरा काउंट कर लें 1 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं हुआ, हुआ होगा, हुआ होगा, हमने पूरा किया कि हुआ होगा। अगर अभी भी आप कंफ्यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, अभी और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो और सिंप्लीफाई से। सपोज आपको ये करना है 2 प्लस 3, हमने पहली लाइन क्या की थी 2, दो लाइन कीजिए, अब क्या पूछ लीजिए हमने की थी 3 लाइन है ना, कुछ है नहीं इसी को जो हम पास पास कर रहे थे, आप कंफ्यूज हो रहे थे। पहले मैंने क्या किया, 2 लाइन खींच दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया 3 लाइन खींच दिया, अब आप पास पास करने के कारण कंफ्यूज हो रहे थे, तो ठीक है मैंने दूर दूर कर दिया। अब क्या कर दिया, अब इसको काम कर ले ले जाइए 1 2 3 4 5, आंसर मिल गई 5। दिस इज द वे ऑफ एडिशन, और इससे कोई सरल तरीका एडिशन का उससे है नहीं। आपके बुक्स में है थोड़ा सा एनिमेशन है, उसमें थोड़ा ऑब्जेक्ट से कर देते हैं, ऑब्जेक्ट से कर देते हैं, जैसे इसी को मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दूं आपके लिए, कि मैंने यहां क्या ले लिया, मान लीजिए हमको कहना है कि कोई ऑब्जेक्ट ले लें, हम जैसे लाइन खींचने की बात कर रहे हैं तो हम उसकी जगह एक ऑब्जेक्ट ले लें, हम कह रहे हैं कि 2 स्टार ले लेते हैं, यहां भी मैंने 2 स्टार ले लिया, यहां भी क्या ले लिया 3 स्टार ले लिया। अब इसको एक कर लो कितने स्टार हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने स्टार हो गए 5 स्टार, यही आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो और उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 बुक 5 बुक, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वे ओके। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अट्रैक्टिव बनाने का तरीका है, जिससे आप थोड़ा सा समझ जाएं। हमारे पास प्रेजेंटेशन था, आई कैन नॉट मेक दिस क्लास मोर अट्रैक्टिव ओके। तो आगे कोशिश करूंगा हम
We make the 30 plus, but that will take a lot of time, okay? And I cannot cover your syllabus. कर तो सकता हूँ, लेकिन आपकी क्लासेस थोड़ा सा कम होगी. तो I will use this method only, board teaching, okay? Board teaching. This is the most effective and most important way of teaching, okay? हमको नहीं लगता है कि board teaching का कोई option होता है, okay? तो so I am doing that thing, okay? So this is the way I will take two numbers, okay? Single digit number. Now I will cover only adding two digits number. केवल आप दो digits का हम addition सीखेंगे. पहले तो हम सीख लिया one digit का. Now I come to numbers containing two digits. How I will add those numbers? जो number दो digit को contain कर रहे हैं, उनको कैसे add करेंगे? सिंपली विदाउट कैरी, बिना कैरी के. आप सिंपली बिना कैरी के, कैरी क्या होता है इतने आधुनिक को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. उसको भी मैं बताऊंगा कैरी आता कहां से है, कैरी क्यों होता है, या कैरी के आने के बाद हम क्या करते हैं, सब डिस्कस करेंगे आज. लेकिन हम बिना कैरी के नंबर को एड करने चल रहे हैं, ओके? तो आई एम टेकिंग नंबर दैट कंटेन्स टू डिजिट्स, ओके? सपोज दैट आई एम टेकिंग 12 एंड 13, ओके? Suppose that I have to add this, I am just putting here plus symbol, it means I am going to add 12 with 13, okay? There is no confusion in that, okay? Now come, how I will add that? So, हम कैसे ऐड करेंगे? हम इस नंबर को यहाँ फिर से लिखेंगे 1, 2, okay? जिसको ऐड करना है उस नंबर को हम उसके नीचे लिखेंगे 1, 3. देखो दोनों दो डिजिट कंटेंट किया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है. दोनों एक दूसरे के नीचे आ गए आसानी से. आगे और डीप में मैं डिस्कस करूंगा, अभी दो डिजिट का ही कर रहा हूँ. दोनों नंबर जो होंगे दो डिजिट कंटेंट किए रहेंगे. अब यहाँ पे हमने प्लस साइन रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसके बाद हमने आपको 1 और 10 बताया है, आप इसको भी ध्यान रखिए 1 और 10. इसके बाद इसके नीचे एक लाइन मैं खींच दूंगा, ओके? अब क्या करेंगे, वंस वाले डिजिट को हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे. किस वाले को? वंस वाले डिजिट को. टू में थ्री ऐड करना है, तो फिर वही एक टू स्टार ले लिया, इसमें कितना ऐड करना है? थ्री स्टार. तो इसका कितना हो गया टोटल? 5, ओके? तो क्या हो जाएगा? 5. फिर हम इसको ऐड करेंगे टेंस, टेंस वाले नंबर को. किसको ऐड करेंगे? टेंस वाले नंबर. बोथ प्लेसेस है ना, इन बोथ नंबर देयर इज 1, 1, ओके? तो यू हैव टू गेट 1 विद 1. आपको 1 एक के साथ एक एक करना है, तो एक स्टार है, एक करना है एक स्टार और, तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 स्टार. तो क्या हो जाएगा? 25. ये क्या हो जाएगा? 25. एंड दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर आल्सो. तो दिस इज द वे ऑफ एडिंग टू डिजिट नंबर. पहले क्या करेंगे, 1 प्लेस को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद 10 प्लेस को जोड़ लेंगे. यहाँ कोई कैरी का कोई ध्यान नहीं है, कोई कैरी का प्रॉब्लम नहीं है, तो हम आराम से इसको कर सकते हैं कि 12 को 13 से कैसे जोड़ेंगे. दूसरा और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ. सपोज यू हैव ए 20 विद 30, 20 विद 30, 0, 0. इस पे कोई ऑपरेशन नहीं किया, जीरो में कुछ भी नंबर हम जोड़ेंगे. सपोज जीरो में हम क्या जोड़ रहे हैं? 1 जोड़ रहे हैं, तो जो जोड़ रहे हैं वही आ जाएगा. सपोज जीरो में 3 जोड़ रहे हैं, तो जो जोड़ने जा रहे हैं वही आ जाएगा. सपोज जीरो को जीरो से जोड़ रहे हैं, तो जीरो ही हमेशा आएगा. जीरो को अगर जीरो से जोड़ेंगे तो जीरो आएगा. अब जीरो का एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जीरो से जिस नंबर को हम जोड़ते हैं वही नंबर आ जाता है. दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. या जीरो से आगे जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो चाहे नंबर जितना बड़ा हो वो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. पीछे मैंने पावर बोला था आपको, अगर किसी नंबर का पावर जीरो हो जाता है तो हमेशा क्या हो जाएगा? 1. ऐसे ही सीखना होता है, सीखने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है. यू लर्न द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप. ऐसे ही जैसे क्लासेस चलती रहती है कि चीजें आप जानते रहते हैं. तो आज मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जीरो का क्या एडिटिव प्रॉपर्टी है. जीरो को जिस नंबर से जोड़ेंगे वही नंबर आ जाएगा. जैसे जीरो को 5 से जोड़ रहे हैं तो 5 आ जाएगा. जीरो को 6 से जोड़ रहे हैं, 6 से जोड़ रहे हैं, 6 आ जाएगा. और जीरो को जीरो से जोड़ रहे हैं तो क्या आ गया? आएगा 0.
यहाँ से कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, जीरो आ गया हमारा। दूसरा हमारा है टेंथ प्लेस पे क्या है, टू और दूसरे वाले में थ्री। फिर वही पुराना मेथड, यहाँ टू स्टार लिया, टू स्टार लिया, दूसरा कितना लिया थ्री स्टार। अब दोनों को जोड़ेंगे, वन टू जोड़ेंगे मतलब काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हियर इट इज कमिंग फाइव, तो इक्वलिंग 20 to 30, इट इज कमिंग 50, दिस इज द आंसर। ओके, तो दिस इज द वे ऑफ एडिशन, आप टू डिजिट नंबर विदाउट कैरी, विदाउट कैरी। तो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट एंड टू डिजिट, टू डिजिट नंबर। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास आल्सो। ओके, तो जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग द वीडियो। ओके, एंड इफ यू आर वॉचिंग एंड looking the video, it will be helpful to move your syllabus forward, okay, in this lockdown, okay, because there is limitation, you are not coming to the school, and in that situation, when you are continuously watching the video, your syllabus is covered, okay, so thank you.